अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु हाजरीन इंतज़ार मीडिया की जानिब से हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं इस खिदमत के लिए कि यहाँ पर जो ताज़िए शरीफ रखी हुई है, एक दो बच्चे यहाँ पर मौजूद है आप लोग के दरमियान। एक बच्चे का नाम है अली हुसैन अली हसन है और एक का नाम कौसैन अली है। इन दोनों बच्चों ने ताज़िए शरीफ मनाने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त की है। इनकी मोहब्बत दिल में ये है कि हमारे नबी यानी उनके नवासे इमाम हुसैन इमाम अली मकाम अली जद्दा सलाम की मोहब्बत में इन्होंने इन बच्चों ने अपनी मेहनत मशक्क़त की है और काविश की है, ताज़िया बनाई है। अल्लाह इनके कुव्वत हैदरी अता फरमाए, अल्लाह इनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। हम इस वक्त तो अंसारगंज में अंसारगंज की एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर ताज़िया हमारे सफीक भाई और अंसारगंज के पूरे नौजवानों की तरफ से यहाँ पर रखी जाती है। सफीक भाई हमारी सुन्नी ताजिया कमेटी के मेन रुकन है और इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया कि यहाँ पर ताजिया रखा हुआ है। तो हम इनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो सफीक भाई आप ये बताएं कि आप ताजिया यहाँ पर कब से रख कितने बरस से रख रहे हैं? मैं कम से कम 27 साल से रख रहा हूँ। तो ये जो ताजिया आपने इतनी खूबसूरत बनाई है, तो ये आप खुद बनाए हो या रेडीमेड बना के मंगवाए हो? नहीं, बच्चों लोग के साथ में मिलकर मैं खुद बनाया हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। कब से बना रहा है? कम 27-28 साल से मैं बना रहा हूँ। अंसारगढ़ में कम से कम 45 साल से ताजियादारी हो रही है। इस पे जो चंपनी दिख रही है, मालेगांव में ऐसी चंपनी मिलती नहीं है, तो ये चंपनी आप कहाँ से लाते हैं? कुछ चंपनी मालेगांव की यूपी की है। जहाँ ताजिया रखी हुई है और ताजिया बनाने वाले भी है मौजूद। आप लोग कब से ये ताजिया बना रहे? ताजिया तो हमारे घर से तकरीबन 20-21 साल से बनती आ रही है। बड़े भाई लोग बनाते थे, हम बनाते। तो ये ताजिया ने कितने दिन में आप बनाते हैं? ये ताजिया भी जो बनाई है, तो ये 5 दिन में हम पूरी काम करके अपना इसको रेडी किए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत अली चौक की गली में फिरदौसगंज रिजवान अहमद मोहम्मद कुर्शीद, जो सुन्नी ताजिया कमेटी के मेंबर भी है और हमारे बहुत अच्छे साथी दोस्त तो भी है, माशाल्लाह हम इनको देख रहे हैं बचपने से, इनको शुरू से देखते आ रहे हैं। जितनी भी इनकी ताजिया है अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा बनी है। तो रिजवान भाई, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आपने जो ताजिया बनाई है कितने दिन में तैयार हुई? ये ताजिया को तकरीबन 15 दिन लगे। 15 दिन लगे। इससे पहले आप कहाँ रखते थे ताजिया? हमेशा ताजिया हमारे यही रहते हैं। तो कितने साल से यहाँ पर रहते? हमारा ताजिया यहाँ 20 साल से। 20 साल से। और उससे पहले आपके वालिद या आपके नाना आपके दादी का आया आपको ताजिया बना? ये बस अल्लाह का एहसान है, मौला का करम है। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ताजिया इतनी खूबसूरत है और 15-20 दिन में ताजिया बनी हुई है। ये हमारे रिजवान भाई मेहनत बोलो या इनकी मोहब्बत बोलो, 15-20 दिन में ताजिया इतनी खूबसूरत जो आप देख रहे हैं ये बनाए हुए। अस्सलामुअलैकुम।